नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। पीलीभीत में घरों के पास बाघ के पहुंचने से दहशत का माहौल है। वहीं लोगों ने कार में सवार होकर टाइगर का वीडियो बनाकर वायरल किया है। दरअसल पिपरिया संतोष गांव के निकट बाघ की मौजूदगी से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। गाँव में आबादी के निकट चहलकदमी करने के बाद बाघ पिपरिया संतोष गांव की सीमा में पहुंच गया। सड़क किनारे झाड़ियों में बाघ को देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि अनुमति मिलने के बाद भी वन विभाग बाघ को पकड़ने के प्रयास नहीं कर रहा है, इससे लोगों में रोष है। टाइगर रिजर्व में से सटे इलाके में बाघों की मौजूदगी किसानों के लिए सरदर्द बनी हुई है। 3 दिन तक सपहा गांव में बाघ की मौजूदगी देखी गई। डगा गांव की सीमा में दूसरे बाघ ने दस्तक दे दी। आबादी के निकट चहलकदमी करते देख ग्रामीणों ने शोर शराबा किया। रात भर लोग जगते रहे। इसके बाद बाघ पिपरिया संतोष गांव की सीमा में चला गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल पनप रहा है। मुनकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत धावाला से लापता हुई युवती का शव जली हुई अवस्था में ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत देहरादून रोड के जंगल में मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर हरिद्वार और देहरादून की फॉरेंसिक टीम साक्ष्यों को उठाने के लिए पहुंची है। युवती की हत्या हुई है या आत्महत्या, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। प्रथम दृष्टि में मामला आत्महत्या से ही जोड़े होने की बात पुलिस कह रही है। शनिवार की सुबह मुनकीरेती थाना पुलिस अपने क्षेत्र से लापता हुई 22 वर्षीय विनीता की तलाश में देहरादून रोड के जंगलों में पहुंची। इस दौरान पुलिस को एक जला हुआ अवस्था में शव दिखाई दिया। सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लापता विनीता के परिजनों को मौके पर बुलाया। उन्होंने शव को देखने के बाद उसकी पहचान विनीता के रूप में की, जिसके बाद पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू करते हुए शव का पंचनामा भर और शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया। घटनास्थल पर काफ़ी सारी चीज़ें संदिग्ध दिखाई दी, इसलिए देहरादून और हरिद्वार से फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई। फॉरेंसिक की टीम ने जाँच के लिए काफ़ी सारे नमूने एकत्रित किए हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस टीम डटी हुई है। हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गैब्रियाल ने शनिवार को हरिद्वार बैरागी कैंप के ग्राउंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से जायरोकॉप्टर के परीक्षण उड़ान का सफल शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं साहसिक जायरोकॉप्टर में उड़ान भरी। जायरोकॉप्टर के संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गैब्रियाल ने बताया कि जायरोकॉप्टर एक प्रकार का छोटा हेलीकॉप्टर है, जिसका उपयोग उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा जायरोकॉप्टर द्वारा हिमालयन सफारी आयोजित कराई जाएगी। खानपुरा विधायक उमेश कुमार के कथित तौर पर वायरल अश्लील वीडियो मामले में विधायक उमेश कुमार ने बड़ी राहत मिलने का दावा किया है। हरिद्वार के ऋषिकुल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए विधायक उमेश कुमार ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन और अन्य को 1 घंटे के भीतर सोशल मीडिया से कथित वायरल वीडियो को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने मानहानि का नोटिस जारी करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि महिला ने इसकी शिकायत कोर्ट से की थी, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि एक महिला की याचिका पर आदेश करते हुए उच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये वीडियो तुरंत हटाए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पहले से ही कह रहे थे कि ये उनके खिलाफ साजिश है और कोर्ट का ये आदेश सभी साजिशकर्ताओं के लिए बड़ी सबक है। पौड़ी जिले के विकासखंड कोर्ट की ग्राम सभा खौल में विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी द्वारा प्रतिभाग किया गया, जहां ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक की मौजूदगी में विकसित भारत यात्रा का गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि मणिक लाल भट्ट तथा सांसद एवं विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगराण भी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ में लगी LCD के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, तो वहीं उज्ज्वला गैस कनेक्शन के पात्र लाभार्थियों को विधायक द्वारा मुफ्त कनेक्शन बांटे गए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य तामेश्वर आर्य द्वारा जहां रोड सुधारीकरण की मांग रखी गई, तो वहीं ग्रामीणों की अन्य समस्याओं से भी विधायक इस दौरान रूबरू हुए। उन्होंने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, गांव-गांव तक विकास की बयार बह रही है। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र लोकमनीपुर गांव में एक युवती 80-90% झुलस गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि लोकमनीपुर गांव में दुकान में काम करते समय आग लगने से बुरी तरह से वो झुलस गई।
दुकान में भीषण आग लगने की सूचना पर स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद युवती को दुकान से बाहर निकालने में कामयाबी पाई। 28 वर्षीय अनुपमा को कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने जांच के उपरांत 80-90% झुलसी हुई बताया है। परिजनों ने बताया कि बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से दुकान में भीषण आग लगने से युवती झुलस गई। गांव और घर में रखा सभी सामान आग की चपेट में आ जाने से नुकसान हो गया। बीते वर्षों से लगातार आसपास क्षेत्रों में अपनी अमाद स्थायी कर चुके एक दंत जंगली गजराज के चोटिल होने की खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन्य जीव प्रेमी और जैव विविधता समिति खदरी खड़क माफ के अध्यक्ष पर्यावरणविद विनोद जुगनियान ने बताया कि बीते कई वर्षों से क्षेत्र में एक दांत वाले जंगली हाथी के पैर घिसे कर चलने की अपुष्ट जानकारी कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें दी। स्थानीयों का कहना है कि उन्होंने बड़े नजदीक से एक दांत हाथी को नदी की ओर पैर घिसेर कर चलते हुए देखा। बाद में पग चिन्हों में 3 पद चिन्ह दिखाई दिए, जबकि अगला दायां पैर घिसरने के निशान भी मिले। सूचना प्राप्ति के साथ ही उन्होंने शनिवार को वन क्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सिंह पुंडीर को हाथी के चोटिल होने की पुष्टि करने और जंगली हाथी के उपचार के लिए वाइल्ड लाइफ को सूचित करने के लिए कहा। उधर दूसरी सुबह IDPL वीरभद्र स्थित GM आवास के समीप एक दांत जंगली हाथी के अमात की सूचना मिली। सूचना पाते ही वन क्षेत्र अधिकारी ऋषिकेश देवेंद्र सिंह पुंडी ने सुरक्षा की दृष्टि से टीम गठित कर मौके पर वन सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया, जहां गोलचक्कर के समीप जंगली हाथी द्वारा सुरक्षा तरबार तोड़ी पाई गई। जल्द ही वन सुरक्षा कर्मियों द्वारा हाथी को लोकेशन ट्रेस्ट कर ली गई। चोटिल हाथी निकट जंगल में आराम करता पाया गया। सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही की गंध से आराम फरमा रहे हाथी ने डराने के अंदाज में मॉक चार्ज के वन कर्मियों को पास न आने के लिए सचेत किया। वन्यजीव छायाकार अखिल भंडारी ने चोटिल हाथी को दूर से अपने कैमरे में कैद किया। वन्यजीव प्रेमी विनोद जुगनलियान ने कहा कि हाथी न केवल बूढ़ा हो चुका है, बल्कि बीमार और अस्वस्थ लग रहा है। इस हाथी को कुछ वर्षों से आसपास के क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा है, जिसका बायां दांत नहीं है, जबकि अगले दाएं पैर में चोट लगी होने पर पैर घिसेकर चल रहा है। सितारगंज में स्थित स्कॉलर वैली इंटरनेशनल स्कूल के विरासत अवर हेरिटेज वार्षिक उत्सव में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मुख्य अतिथि और भाजपा पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल जिंदल विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में उत्तराखंड संस्कृति की झलक देखी गई, साथ ही स्कूली बच्चों ने सुंदर सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विद्यालय प्रबंधक पलविंदर सिंह औलक को विरासत अवर हेरिटेज वार्षिक उत्सव की बधाई दी, साथ ही स्कूली बच्चों को द्वारा दिए गए कार्यक्रम को लेकर बच्चों का उत्साह भी बढ़ाया। स्कॉलर वैली स्कूल में हम बच्चों का कार्यक्रम अवर हेरिटेज के नाम से विरासत, जो कि हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को लेकर हम पूरे भारतवर्ष के लिए जितने भी यहाँ पर भारतवर्ष में हमारी संस्कृति है उसको एक थीम के माध्यम से हम एक अपने स्कूल में इसका ऑर्गेनाइज कराया हमने। क्योंकि हमने जब ये स्कूल को टेक ओवर किया था तो लगभग 300 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, और लगभग 2 साल के अंदर हम यहाँ पर करीब 600 से ऊपर बच्चों को ले गए हैं। तो ये भी हम अपने आप में बहुत एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग का बहुत एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उसके बाद भी हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये हमारी काबिलियत ही है। ऋषिकेश में विनीता की मौत पर बवाल शुरू हो चुका है। देर शाम NSUI के PG कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष और महासचिव ने कैंडल मार्च निकालकर हत्या की आशंका जताई है और विनीता की हत्या की आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अंकिता हत्याकांड की तरह ही इसको देख रहे आरोपियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकालकर त्रिवेणी घाट तक पहुंचे और हत्या की बात करते हुए छात्र संघ अध्यक्ष ने इस हत्या को अंकिता कांड की तरह देख रहे हैं। जिस तरह से उस कांड में देरी हुई, उसी तरह इसमें भी देरी न हो और उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक जय बालोनी ने थाना कोतवाली पौड़ी का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना कोतवाली परिसर का भ्रमण करते हुए कार्यालयों में रखे अभिलेखों को चेक कर शास्त्रगार, मलखाना, बैरिक मेस, हवालात, कंप्यूटर कक्ष, CCTV कैमरे, कंप्यूटर उपकरण आदि का निरीक्षण किया गया। साथ ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से हथियार, कारतूस की जानकारी लेकर उन्हें हैंडलिंग की भी करवाई गई। थाना कोतवाली में लंबित
विवेचनाओं एवं विभिन्न माध्यमों से उत्तराखंड पुलिस मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों को निर्धारित अवधि में जांच कर निस्तारित करने के लिए निर्देश किया गया। ड्यूटी और चेकिंग के दौरान आम जनमानस के साथ शालीनता से वार्ता करने तथा पीड़ितों की 100% सहायता करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।